नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं trustzone.com और आज हमारे साथ होंडा की सिटी है। हमने फाइनली पेट्रोल मैनुअल, डीजल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक तीनों वेरिएंट्स जो सेल पे हैं वो चला लिए हैं और आज हम एक बेटर पोजीशन में आपको इस कार के बारे में सब कुछ बताने के लिए। हमने इसके रिव्यूज़ किए थे, हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव हैं, पर मैं फिर भी आपको इन तीनों इंजन और गियरबॉक्स जो हमने चलाए हैं उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ गाड़ी के बारे में बताऊंगा। और हमेशा की तरह डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। इसका जो डिज़ाइन है अभी एक छोटी होंडा अकॉर्ड का डिज़ाइन हो गया है द फ्रंट, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी क्रोम ग्रिल आपको मिल रही है, जो ग्रिल कम स्लैट ज़्यादा है, ग्रिल यहाँ पर आपको नीचे मिल रहा है और बम्पर के यहाँ पर भी आपको एक ग्रिल मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉग लैम्प भी अभी LED मिलेंगे आपको होंडा सिटी के साथ टॉप एंड वेरिएंट पे। और ये इसका स्ट्राइकिंग LED DRL डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको जो ये 9 LED लाइट्स मिल रहे हैं, इससे लाइटिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है और हमने इसे रात में चलाया, हमें इसकी लाइटिंग काफ़ी पसंद आई। इसका जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, जो रोशनी है, बहुत ही बढ़िया है। ये इसका बॉनेट है जो प्रीवियस जनरेशन से मिलता जुलता है, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी अच्छा दिखने वाला बॉनेट है और सब पैनल्स जो हैं काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जो फिट है काफ़ी बढ़िया है। साइड प्रोफाइल में भी आपको एक कम्प्लीटली नया लुक मिल रहा है, ऐसा लुक होंडा की कोई भी सेडान में कहीं नहीं मिला। थोड़ा बहुत सिविक से मिलता जुलता है, बहुत हल्का सा, पर जो इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। 16 इंच के व्हील आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो डायमंड कट हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो डिज़ाइन है काफ़ी यूरोपियन दिखता है पीछे से और अगेन इसकी जो पहचान है काफ़ी अलग है, ये कोई भी गाड़ी से मिलती जुलती नहीं है। और पर इसकी जो LED हेडलैम्प और टेल लैम्प है यहाँ पे, ये थोड़ी लेक्सस और BMW 3 सीरीज से मिलती जुलती है, तो एक अच्छी बात हुई। एक प्रीमियम कार में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो दूसरे प्रीमियम और लग्जरी मैन्युफैक्चरर से मिलते जुलते हैं। ओवरऑल जैसे कि आप देख सकते हैं डिज़ाइन अच्छा है। इसके पहले वाली जो सिटी थी वो भी उसका एक अच्छा एवोल्यूशन लग रहा है और इसके पहले जो एरो शॉट डिज़ाइन था उसका भी एक हद तक इसमें थोड़े से गिव एंड टेक जो है एजेस इधर उधर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो डिज़ाइन था होंडा का वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन फ्रॉम होंडा, इट वॉज़ फुल 100/100 मार्क्स था। इसीलिए उसका थोड़ा सा जो है एलिमेंट है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो ज़रूर आपको उसमें महसूस होगा, पर ओवरऑल इसका डिज़ाइन होंडा सिटी का पहले से बहुत ज़्यादा एलिगेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है। जो होंडा सिटी की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वही होंडा ने इस टाइम डिलीवर किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है और जो इसकी लेंथ है वही 4500 mm के आसपास की इसकी लेंथ है, तो ये एक क्रेटा राइवल है पर सेडान फॉर्म में होंडा की तरफ से। क्रेटा का SUV राइवल भी शायद होंडा से एक दिन आ सकता है, पर अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको फीचर्स गिनाना शुरू कर देता हूँ। कीलेस एंट्री एंड गो और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये रहा इसका नया LCD स्क्रीन जो बहुत ही बढ़िया है। सेगमेंट में अभी ये फीचर जो है काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और जो आप इस रोटरी डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इसमें अभी हूँ तो रोटरी डायल से मैं ट्रिप देख पा रहा हूँ, ये जो है हमने इतने किलोमीटर किए हैं गाड़ी के साथ। और जैसे मैं होम बटन दबाता हूँ, मैं सिर्फ टैकोमीटर भी रख सकता हूँ, फिर से होम दबाऊँगा तो रेंज एंड फ्यूल आ जाएगा, स्पीड एंड टाइम आ जाएगा जो एवरेज है और करंट कंजम्पशन है। जी मीटर पहली बार देखने को मिल रहा है। कॉर्नरिंग करेंगे तो ये जो है यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बॉल आ जाता है जिससे वो इधर से उधर होगा। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम नॉर्मल कार में तो देखा नहीं था, पर लास्ट टाइम मैंने सुना था कि निसान GTR में मिलता है, जो एक जापानी स्पोर्ट्स कार है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक सेटअप, मीटर सेटअप, लाइटिंग सेटअप, डोर सेटअप, यहाँ पे सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। आप डिस्प्ले को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसे हाइड भी कर सकते हैं। होम दबाने के बाद इन्फॉर्मेशन में जाके, फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई वार्निंग लैंप नहीं है।
ओवरऑल काफ़ी बढ़िया LCD डिस्प्ले, इट्स अ मोस्ट वेलकम फीचर। LCD डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक एनालॉग डायल आपको दिखा रहा है, साथ ही साथ वो जो डायल है एक्चुअली में वो डिजिटल है, तो जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल पाता है उस वजह से काफ़ी बढ़िया है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है, और ये स्क्रीन जो है सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी सी छोटी है, पर जो इसका काम है बहुत बढ़िया है। टच फील काफ़ी बढ़िया है, आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, इसका साउंड सिस्टम बढ़िया है, और ये डिजीपैड 2.0 है, जिससे कि आपको पहले से ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है और ज़्यादा ईज ऑफ यूज़ है पुराने डिजीपैड 1 से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AC कंट्रोल्स है, ये जो डायल है यहाँ पे नर्ल किया गया है, जिससे कि जो फील आपको आती है काफ़ी बढ़िया और एक लग्जरियस फीलिंग आती है। नीचे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें रखने की जगह है, पावर आउटलेट, USB पोर्ट, कप होल्डर्स, यहाँ पे भी आप कुछ छोटा मोटा रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप चीज़ें रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं सेंट आर्मरेस्ट के अंदर। ओवरऑल क्वालिटी पहले से काफ़ी बढ़िया कर दी गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये जो लेकर्ड वुड आपको मिल रहा है यहाँ पे बढ़िया है, लेदर स्टिचिंग की हुई है, जो बेज एंड ब्लैक इंटीरियर है ओवरऑल वो बढ़िया दिया गया है। इसका ग्लव बॉक्स खोल के देखते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज ग्लव बॉक्स है, ना ही छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, और ऑल इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल रहा है जो विंड डिफ्लेक्टर के साथ में यहाँ पे दिया गया है। सीट्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल, कोई भी साइज के पर्सन के लिए यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल रहा है जो एडजस्टेबल है, और लेदर सीट्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, मैंने अपने प्रीवियस में भी बताया था, और जो तीनों वेरिएंट्स हमें मिले हैं उसमें सेम बेज एंड ब्लैक इंटीरियर ही मिला है। ओवरऑल मैं इस क्वालिटी से काफ़ी खुश हूँ, पहले से इसकी क्वालिटी काफ़ी सुधार दी गई है। ये डिजिटल मीटर और ये डिजीपैड का एक्सपीरियंस जो रहा है, जो साउंड का एक्सपीरियंस रहा है, जो साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस रहा है वो भी बढ़िया रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डोर पैड्स मिल रहे हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी बॉटल आ सकती है। ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये बूट ओपनर नीचे, सॉरी हुड ओपनर है, और वो फ्यूल पिलर कैप खोलने के लिए बटन है, और IRVM भी डिजिटल है। ये लाइट भी LED है, काफ़ी अच्छी दिखती है, स्मोक इफेक्ट मुझे ये एयरक्राफ्ट के कैबिन की याद दिलाती है, वहाँ पे भी हमें ऐसी लाइटें मिलती हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो। ग्रैब हैंडल आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको 6 एयरबैग भी मिल रहे हैं। आई थिंक होंडा ने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रैब हैंडल और एयरबैग दिया है, जो हर मैन्युफैक्चरर नहीं कर पाता। AC इसका काफ़ी बढ़िया चलता है, मैक्स कूल का फीचर है, जैसे कि आप दबाएंगे फुल स्पीड पे फैन और लोएस्ट टेम्परेचर पे जाके वो कैबिन बहुत ही जल्दी से कूल कर देता है, वापस से दबाएंगे तो आप अपनी प्रीवियस सेटिंग पे आ जाएंगे। तो AC का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, क्रूज कंट्रोल बराबर चलता है, और ऑटोमेटिक वाइपर्स और आपको हेडलैम्प मिलते हैं। वाइपर्स की जो सेटिंग है इंटरमीडिएट वाली दी गई है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, हमने जो लास्ट दो वेरिएंट चलाए थे वो काफ़ी भारी बारिश में चलाए, और ये जो इंटरमीडिएट वाइपर सेटिंग है हमें काफ़ी अप्रिशिएट हमने इसे किया, और आप भी करेंगे। चलिए पीछे चलते हैं, जहाँ पे होंडा सिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है उसका स्पेस। मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम जो होंडा फिलॉसफी फॉलो करता है, जो काफ़ी फेमस डायलॉग हो चुका है, वो यहाँ पे आप इन एक्शन में देख सकते हैं। नी रूम, इतना ज़्यादा नी रूम, मैं अपने पाँव भी आगे लेके जा सकता हूँ, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, शोल्डर रूम भी काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बीच में भी कोई बंदा बैठ सकता है, और क्योंकि फ्लोर हम जो एक बेयर मिनिमम फ्लोर हम पे, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको पावर आउटलेट्स मिल रहे हैं जो काफ़ी बढ़िया है, आप यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के रख सकते हैं, ना ही कि आप अंदर डाल देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो आई थिंक होंडा ने छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान दिया है। सनरूफ कैबिन में काफ़ी लाइट तो लाता है, पीछे वालों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी विंडोज़ जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हैं, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, रिक्लाइन सीट का बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है पीछे की सीट का, जिससे कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा लॉन्ग जर्नीज में। यहाँ पे भी आपको वो कैबिन लाइट इंस्पायर्ड लाइट मिल रही है, तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं, सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और तीसरा सीट बेल्ट भी यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि तीनों पैसेंजर्स सीट बेल्ट पहन के पीछे बैठ सकते हैं, जो एक लॉ बहुत ही जल्दी पास होने वाला है। और
काफ़ी हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो ही रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैनुअल ये सन ब्लाइंड मिल रहा है यहाँ पे, रिवर्सिंग कैमरा सेंसर, पार्किंग कैमरा, और ये है इसका 500 लीटर का बूट। काफ़ी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारे बैग आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे। और यही इसका इंटीरियर है। फीचर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई, काफ़ी लंबी है। इस टाइम 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है सेफ्टी में। सेफ्टी के मामले में होंडा की तरफ से तो कभी कोई खास प्रॉब्लम रही नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट पे भी आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे कि मैंने आपको बताया, साथ ही साथ एक अच्छी टच स्क्रीन मिल रही है। और ओवरऑल आई थिंक फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए थे इस कार में, हीटेड मिरर्स हो जाने चाहिए थे इस कार में, और आपको बाकी सब कुछ तो इस कार में मिल ही रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल रहा है। अभी हम इसकी ड्राइविंग की बात करते हैं। हम जो चला रहे हैं, हमने एक्चुअली तीनों वेरिएंट चलाए हैं, तो शुरुआत पेट्रोल से करते हैं। और तो पेट्रोल से शुरुआत करते हैं, जो ये इंजन है वही 1.5 लीटर का इंजन ही है आज भी, पर इसे SOHC से DOHC कर दिया गया है। मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट से डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट कर दिया गया है, मतलब कि एक कैमशाफ्ट और ऐड कर दिया गया है, जिससे कि रिफाइनमेंट जिसे पहले थी काफ़ी बढ़िया वाली, अभी और भी अच्छी होगी। अभी एक लग्जरी कार लेवल का जो आपको रिफाइनमेंट मिलता है इंजन से, वो आपको अभी इस होंडा सिटी में मिलेगा, क्योंकि जो साइलेंस है पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। अंदर हो या बाहर, हम बाहर खड़े रह के आपसे बात कर रहे हैं और हमें फिर भी इंजन का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही ऊपर गया है, वाइब्रेशन है ही नहीं, और इससे जो कैबिन का एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। जी हाँ, अगर आप लो टू मीडियम रेंज पे थोड़ा सा आवाज़ आएगा, रेड लाइन पे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आएगा, पर प्रीवियस जनरेशन से मेरे हिसाब से 35-40% का फ़र्क आया है इवन एट रेड लाइन। तो वो मज़ा है एंथुजियास्ट के लिए, पर वो थोड़ा सा सबड्यू कर दिया गया है, जो एंथुजियास्ट भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपको अभी टॉप एंड पावर उससे DOHC की वजह से ज़्यादा मिलता है। पहले से ही IVTEC और VTEC मोटर जो है टॉप एंड पावर के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट डालने की वजह से, BS6 करने की वजह से, जिसका लो एंड और मिड रेंज पिकअप जो है वो भी बढ़ चुका है, जिससे कि आपको सिटी में चलाने में आसानी होगी। बीट द ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और द मैनुअल, 3000 RPM के नीचे भी आपको बहुत सारा टॉर्क मिलने वाला है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल पेट्रोल बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड, काफ़ी पावरफुल, पावर भी इसकी बढ़ चुकी है, 115 से अभी 121 PS हो चुका है। टॉर्क अब भी वही सेम है, 145 Nm का टॉर्क है, और जो पावर इंक्रीज़ है वो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि हर गियर में रेडलाइन करने के बाद हमने जो नोटिस किया, कुछ 6-7 किलोमीटर का फ़र्क आया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि टॉप एंड परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। अभी हम डीजल की बात करते हैं। डीजल जो है 100 PS और 200 Nm का टॉर्क बनाता है 1.5 लीटर इंजन से। फिलहाल इसमें सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स है 6 स्पीड, और पेट्रोल हो या डीजल, मैनुअल गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी आसान है, पहले से काफ़ी बेहतर कर दिया गया है, और क्लच भी काफ़ी लाइट है दोनों का। और डीजल का जो पिकअप है 2000 RPM के नीचे बहुत ही मज़बूत है, और ऑलमोस्ट इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है। लो एंड और मिड रेंज टॉर्क जो है डीजल का बहुत ही बढ़िया है, पर पेट्रोल की तरह इसमें वो टॉप एंड नहीं है डीजल में, जो हम दूसरे मैन्युफैक्चरर्स में देखते हैं। आपको लो एंड और मिड रेंज टॉर्क मिल रहा है, जिससे कि आप अगर आप फुल 5 सीटर प्लस लगेज भर के भी इस कार को चलाएंगे तो भी आपको पिकअप की कमी महसूस नहीं होने वाली, और यही डीजल इंजन की खासियत है। साथ ही साथ डीजल इंजन का माइलेज भी हमेशा की तरह काफ़ी बढ़िया है, आप इसे 18 km/L तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द सिटी, और इवन इन बहुत ही हैवी ट्रैफिक में भी आप 16 तक का माइलेज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका जो माइलेज BS6 में बढ़िया कर दिया गया है। थ्रॉटल रिस्पांस जो BS4 डीजल में था और BS6 डीजल में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है डीजल को, और बहुत ही अच्छे के लिए इनफैक्ट इम्प्रूव किया गया है। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, टायर्स आप शायद बदली कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पोर्टिंगली चलाते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और ब्रेक्स पेडल बाइक थोड़ा अच्छा हो सकता था, पर ब्रेकिंग पावर काफ़ी बढ़िया है, और मैं जैसे आपको बताया स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, जिससे कि आपको एजिलिटी कंट्रोल भी मिल रहा है पेट्रोल डीजल दोनों में, जिससे कि गाड़ी जो है काफ़ी सेफ फील करेगी एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और हैंडलिंग की बात करें तो
सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, राइड क्वालिटी स्लो मीडियम स्पीड पे अच्छी है, पर आप बॉडी रोल थोड़ा सा ज़्यादा महसूस करेंगे इस टाइम डिस्पाइट बट वो जो बॉडी रोल है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है। और आपको गाड़ी कंट्रोल में ही आप हमेशा लगेगी अगर वाइल आप लेन चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी रोल महसूस होगा पर गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रहेगी, संतुलन में रहेगी। और स्टीयरिंग जो है इसका हल्का है, लाइट है, प्रिसाइज है, फीडबैक उतना खास नहीं है, और हाईवे पे जो इसका वेटअप है वो भी इतना खास नहीं है, अच्छा है, पर हमें होंडा से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो शायद होंडा टर्बो पेट्रोल ला रहा है तभी वो शायद सस्पेंशन स्टिफ अप कर दे जिससे स्टीयरिंग भी अच्छा हो जाएगा और जो बॉडी रोल है वो भी गायब हो जाएगा और वो एक ट्रू ब्लू एंथुजियास्ट कार हो जाएगी। आज भी पेट्रोल मैनुअल जो है एक एंथुजियास्ट कार है होंडा सिटी, पर आई थिंक वो जो है उस गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। पर अभी के लिए हमेशा की तरह सारे इंजन्स और गेयरबॉक्स जो अभी हैं काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और इससे कि होंडा सिटी की जो जो चार्म है वो अभी तक गया नहीं है और आपको एक बहुत ही वर्सेटाइल पैकेज मिल रहा है होंडा की रिलायबिलिटी, रीसेल, सर्विस, सेल्स जो हमेशा से अच्छी रही है वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं होंडा सिटी के साथ। हाँ, अभी तक हमें टर्बो पेट्रोल मिलने का चांस है, उसके शायद उसके साथ शायद हमें DCT मिले, डीजल के साथ कभी भी ऑटोमेटिक भी आ सकता है, वो बाद में की बात है। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया होंडा सिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अभी भी हैं, पुरानी गाड़ी से इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, बी डिज़ाइन, इंटीरियर फीचर्स, इंजन रिफाइनमेंट सब कुछ काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है सेगमेंट में और होंडा सिटी हमेशा की तरह शुड बी योर टॉप चॉइस इन दिस सेगमेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।